हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट थर्ड। इन दिस पार्ट वी आर नोइंग अबाउट इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, टाइप्स ऑफ वैलेंसीज एंड देयर रिलेशंस। सो लेट्स बिगिन दिस पार्ट। फर्स्ट इज इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। वी नो दैट द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हम जानते हैं कि जब भी कोई भी रिएक्शंस होती हैं तो उसमें जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वही टेक पार्ट करते हैं। लाइक सोडियम है तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेशन करेगा फॉर बॉन्डिंग में। नोबल गैसेस आर द केमिकली अनरिएक्टिव बिकॉज दे होल्ड द स्टेबल ड्यूप्लेट, टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और ऑक्टेट, एट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिग्रेशन। दीज आर द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिग्रेशन इन नेचर, टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एंड एट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। दे डू नॉट अलाउ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये ना तो गेन करते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, ना ही लूज करते हैं। सो दे डू नॉट टेक पार्ट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन, दे आर स्टेबल। सी ऑल नोबल गैसेज आर द फुल फील्ड एंड द स्टेबल आउटर मोस्ट शेल। जितने भी नोबल गैसेज हैं उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है फुल फील्ड है और स्टेबल हैं। सो द नोबल गैसेज डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती, दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। वो नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। टोटल सिक्स नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन। हीलियम हैविंग आउटर मोस्ट शेल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्टेबल, एंड अदर कंटेन एट 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 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, दे आर ऑल्सो स्टेबल। दे डू नॉट वॉन्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर फर्दर एंड डू नॉट लूज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। और हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वट इज़ द नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स हैविंग द एटॉमिक नंबर 17। जितना जिसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर हम उसका अरेंजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर, 2, 8 और 10 हो गए, और लास्ट में कितने बच गए, 7। तो हमारे आउटर मोस्ट शेल में और वैलेंस शेल में कितने बच गए, 7 इलेक्ट्रॉन। ये द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर 7, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बताने होंगे। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन दिस वर्ल्ड द एवरीथिंग वॉन्ट्स टू बिकम स्टेबल। इस संसार में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स, एटम्स वॉन्ट्स टू बी अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। जो एटम्स हैं वो स्टेबल होने के लिए क्या चाहते हैं, नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन चाहते हैं। दे वॉन्ट्स नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन, दैट मीन्स लुकिंग लाइक अ नोबल गैस दैट इज कम्प्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। एटम्स ऑफ द एलिमेंट अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन बाय द फॉलोइंग थ्री वेज। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज, बाय लूजिंग 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। या तो वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में उन्हें लूज कर दे और ऑक्टेट बना लें, एंड बाई गेनिंग 1, 2, 3, 4 इन आउटर मोस्ट शेल, या 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में गेन करें, एंड शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट 1 और 2 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। तीन मेथड है, तीनों मेथड हम सीखेंगे और हमारा ये 10th में भी आएगा पार्ट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। द कैपेसिटी और टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इज कॉल्ड वैलेंसी। वो टेंडेंसी किसी भी एटम की जो किसी भी एलिमेंट को केमिकल बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइड द नंबर ऑफ द एटम्स, अदर एटम्स विच कैन कंबाइन विद द एटम ऑफ द दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के साथ कितने और एटम कंबाइन करेंगे ये भी कौन डिसाइड करती है, वैलेंसी करती है। फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो जब हम देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं उसके पास, क्रॉस मेथड से 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन एटम। वैलेंसी किससे डिसाइड होती है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है। नाउ रिलेशन बिटवीन द वैलेंसी एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन एटम, या तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, और इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो मेटल्स के केस में क्या होगा, वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स, नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके एटम में उसके पास होगी वैलेंसी मेटल्स के केस में। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो सोडियम की वैलेंसी आपकी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी आपकी 2 रहेगी। नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम की जगह अगर आप 3 वैलेंसी करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम 2, 8, 3।
नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3 बच जाएंगे और वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये सही कर लीजिएगा। वैलेंसी ऑफ द नॉन मेटल्स 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इट्स एटम, 8 में से जितने आप इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे उतनी उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी। सो क्लोरीन है 7 आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 माइनस 7 वैलेंसी 1। 2 और 5 है, कितने रिक्वायर्ड है 8 बनाने के लिए, 3 मोर रिक्वायर्ड, तो 8 माइनस 5 3 रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन केस में 2 रिक्वायर्ड है। दैट इज इन द केस ऑफ द नॉन मेटल वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। 8 बनाने के लिए जितने हमें इलेक्ट्रॉन नीडेड है उतनी उसकी वैलेंसी होगी। नाउ टाइप्स ऑफ वैलेंसी, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन्ड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ये हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, जिसे हम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर गया कुछ इलेक्ट्रॉन जो हमें गेन करने हैं फॉर कंप्लीट द ऑक्टेट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। द एलिमेंट्स विच लूज देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन फॉर्म कैटायन। जो लूज करते हैं वो कैटायन बनाएंगे। जनरली मेटल्स एटम्स फॉर्म द कैटायन, फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी ऑफ सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 281, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गए वो क्या बना लेगा सोडियम आयन बना लेगा Na1 पॉजिटिव। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन है 282, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन 2, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में क्या बना लेगा Mg2 पॉजिटिव। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन 283, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना लेगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। द एलिमेंट्स विच अटेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन फॉर्म द एनायन, वो एनायन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऐड हो जाएगा क्लोरीन आयन बन जाएगा। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड है 8 कंप्लीट करने के लिए, सो इसकी वैलेंसी -2 हो जाएगी। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन -3 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज कोवेलेंसी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वन एटम ऑफ एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन इज नोन एज कोवेलेंसी। एक एलिमेंट का दूसरे एटम के साथ एटम्स को शेयर करना, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम शेयर्ड द इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम। 1-1 हाइड्रोजन बन गया, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हर एक ने 2 गेन किए, ड्यूप्लेट बनाया। यहाँ क्लोरीन ने 8-8 किए, देखिए 2-4-6 और 2-8, सिमिलरली 2-4-6 और 2-8 ये दोनों अपन ने शेयर किए। इन सिमिलर सेंस ऑक्सीजन 2-2-4-6 और 4-6 और 2-8, 2-4-6 और 2-8, यहाँ इन्होंने 2 शेयर किए तो डबल बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की कोवेलेंसी 4 होती है, टेट्रावेलेंट होती है, सो 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। देखिए कार्बन ने अपने 8 कंप्लीट किए, हाइड्रोजन ने 2-2-4-2-6, ये अपने 2-2 कंप्लीट किए, कार्बन ने 4-4-8 कंप्लीट किए, एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म द सिंगल बॉन्ड। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। वट इज द वैलेंसी विल शोन बाय एन एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर 12 वगैरह, कितनी वैलेंसी शो करेगा। सो सबसे पहले हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे एंड ऑब्जर्व क्या उसे ऑक्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है या गेन करना ईजी है। तो आप देखोगे 2 है, अब 6 उसके लिए गेन करना टफ है, बट 2 ईजिली लूज कर सकता है, सो 2 लूज करेगा और 2 वैलेंसी बनाएगा पॉजिटिवली और मैग्नीशियम हो जाएगा। वट वैलेंसी विल शोन बाय एन एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर 15, सेम कॉन्फिग्रेशन लिखोगे और आप देखोगे अब इसमें से 8 बनाने के लिए 3 गेन करना इजी है या 5 लूज करना इजी है, तो 3 गेन करना इजी है तो 3 गेन करेगा ये। इफ द एटॉमिक नंबर इज 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, आल्सो प्रेडिक्ट द नेम ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, अरेंजमेंट 2-1 है, 1 लूज करेगा ये हमारा लिथियम हो जाएगा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ दिस पार्ट। Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification of this chapter. Thank you and have a nice day.